Hello students, how's life going on? Hopefully all of you are fit and fine. आज हम सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके खुद के चैनल Easy Solution में. स्टूडेंट्स, हम आज एक अजीब सी चीज प्रूव करने जा रहे हैं. 1 is equal to 2. रियली इज इट पॉसिबल कि 1 जो है वो 2 के इक्वल है? अब आप कहोगे कि सर ये तो यूनिवर्स के एकदम आप उल्टा ही जा रहे हो, ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 1 is equal to 2. बट ये चीज़ हमने अभी प्रूव की है. अब की कैसे है ये हम अभी देखते हैं. और इसमें सारा कुछ, हर एक स्टेप आपको बिल्कुल ठीक लगेगा, इसमें कहीं पे भी आपको कोई एरर नज़र नहीं आएगा. अब इसमें हमने किया क्या है, छोटा सा जो मैथ्स का बेसिक रूल है वो हमने थोड़ा सा मतलब कि ट्विस्ट किया है, उसको हमने वॉइड किया है, ठीक है ना, उसके उल्टा जाके हमने इसको प्रूव किया है. बट वो ट्विस्ट कहाँ पर है, वहाँ पे गलती कहाँ पर है, वो आपने बतानी है. तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि गलती कहाँ पर है, ठीक है. बट हर एक स्टेप जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं पे भी आपको वैसे गलती नज़र नहीं आएगी, ठीक है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि भाई a इज इक्वल टू b. हमने क्या मान लिया कि a और b जो है वो दोनों इक्वल हैं. अब हमने किया क्या, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई b. हमने दोनों तरफ क्या किया, b से मल्टीप्लाई कर दिया. जब हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और b इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा. तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया. यहाँ तक तो बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी. इसके बाद हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ ए स्क्वायर से माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट बोथ साइड बाई ए स्क्वायर. तो हमारे पास अब क्या आ गया, ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब हमारे पास इतना आ चुका है. अब ए बी माइनस ए स्क्वायर जो है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें से हमने क्या किया, ए को कॉमन निकाल दिया. तो जैसे ही हम ए को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बच गया बी माइनस ए, ठीक है जी. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद बी माइनस ए. उसके बाद हम आते हैं राइट हैंड साइड में. तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब आपने 10th तक या उससे पहले पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है ना. तो वही फार्मूला हम, बेसिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए और बी माइनस ए. यहाँ तक अगर आपको कुछ लगता है कि रॉन्ग है तो आप मुझे बता सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो फॉर्मूला है हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं. अब आप देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ बी माइनस ए बी माइनस ए है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. चलो जी, हम इसको कैंसिल कर देते हैं. तो बी माइनस ए लेफ्ट हैंड साइड वाला भी रिमूव कर देते हैं, राइट हैंड साइड वाला भी रिमूव कर देते हैं. उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, ए इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक भी पूरा ठीक है. चलिए जी, अब हमने क्या एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, हमने ये एज्यूम किया था कि ए इज इक्वल टू बी. इट मीन्स हम बी की जगह पे ए लिख सकते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए. नाउ ए प्लस ए इज वॉट, टू. तो ए इज इक्वल टू टू ए हो गया. जब a इज इक्वल टू टू ए हो गया तो a और a कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 1 इज इक्वल टू 2. तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई 1 जो है वो 2 के इक्वल है. अब ये तो भाई हमने प्रूव कर दिया. अब इसमें सारा कुछ हमने ठीक किया है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, बट
हमने एक बेसिक रूल जो था मैथ्स का, वो कहीं पे हमने उसको वॉइड किया है। तो वो वायोलेशन कहाँ पर है ये आपने मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने गलती कहाँ पे की थी, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा इसको, ये जस्ट फन के लिए था, इसको आपने सीरियसली कहीं पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है बच्चों। दिस इज जस्ट फॉर फन। एक्चुअली में ऐसा कभी नहीं होता कि 1 = 2 है। तो होपफुली अगली वीडियो में भी हम कुछ ऐसा मज़ेदार और लेकर आएंगे ट्रिक्स। तो टिल देन गुड बाय। तो बच्चों न्यू ईयर भी आने वाला है, आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, और आपका अगला साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे। और प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट तो खैर आप करोगे ही करोगे, मुझे पता है, बट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जितना हो सके शेयर करिए। टिल देन गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।